तुमचं नाव काय? जब से मैं इधर आया हूँ ना, राइस अलग है, मंचूरियन ग्रेवी अलग है। तो भाई अभी पहुंच चुका हूँ मैं पुणे में और अभी हूँ कटरा में। और अभी क्या हुआ था कि सुबह सुबह मुझे बस चेंज करनी पड़ी टोल प्लाजा में, क्योंकि वहाँ पर बस से भी जा रही थी महाराष्ट्र में जिसमें बैठा हुआ था, और उनका लास्ट मोमेंट में प्लान चेंज हुआ था। तो उन्होंने बोला कि आप दूसरी बस जा रही है हमारी, आप उसमें चले आए। तो दूसरी में बैठ गया, तो अभी जहाँ से हम जाएंगे आगे शायद एक दो तीन दिन इधर ही रहूँगा, पुणे में ही रहूँगा, तो आपको घुमाती हूँ। तो भाई अभी हूँ मैं महाराष्ट्र के पुणे में, और पुणे में प्रॉपर घूमने क्योंकि अभी मैं हूँ पुणे से तकरीबन कोई 200 से लेके 150 किलोमीटर दूर हूँ पुणे से, मेन सिटी से। और जो है इलाका आसपास का और जहाँ पे हरियाली है चारों तरफ, जैसा कि हरियाली में घूमने का मज़ा तो आता ही है, लेकिन इधर ऐसा है कि इधर तो नेटवर्क भी नहीं आ रहे बिल्कुल भी, सिम चल नहीं रही है कोई भी। जब से मैं इधर आया हूँ ना, बिल्कुल भी बात भी नहीं हो रही है, मैं साफ बात भी नहीं हो रही है, नेट चलना तो दूर की बात है। लेकिन ये है कि आपको नेट की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, ऐसे इतना प्यारा आज चारों तरफ देख हरियाली है ना, इतनी हरियाली मजा आ रहा है। और साथ में इधर जो लोग हैं ना वो इधर पहनते हैं टोपी, स्वे टोपी कुर्ता, और जहाँ तो लुंगी पहनते हैं जहाँ तो फिर पजामा पहनते हैं, और काफ़ी देखे मेरे पर्सन पीछे भी होते हैं खेतों में, वो देखिए ना टोपी पहनी हुई है, उसके कपड़े पहने हुए। वैसे काफ़ी मैंने जो नई जनरेशन आई है वो तो नहीं पहनती है, लेकिन जो मैंने जिनकी थोड़ी सीनियर पर्सन जैसे इनकी एज 50 से अबव है, काफ़ी को देखा मैंने ऐसे, वो लाल टीका लगाया हुआ था, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और अभी थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी तो मैं सोचा चलो यार आपको घुमा के लाता हूँ, और साथ में आस पास हरियाली थी काफ़ी ज़्यादा, वहाँ घूम लेते हैं। और साथ में इधर ना नारियल के पेड़ हैं और हवा काफ़ी चल रही है, ज़्यादा नहीं है नारियल के पेड़, कम ही, क्योंकि ये भी कर्नाटका के पास ही पड़ता है ना, तो इन्वायरमेंट थोड़ा सेम ही है जहाँ का, और समुंदर के पास भी है तो हवा चलती रहती है। तो अभी चलता हूँ मैं रूम में। तो ये है जगह जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, और ये पीछे वाला है जहाँ पे स्टे कर रहा हूँ, और चारों तरफ हरियाली है। चलते हैं खेतों में, चलते हैं थोड़ा सा है ना, इधर आगे गन्ने के खेत है वो आपको दिखाता हूँ। अभी तो फिलहाल काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि शहर से ना इधर काफ़ी मैंने है कि शांति है ना, और देखने के लिए शानदार व्यू है, इधर खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी है इधर, वहाँ पर मैं दोपहर को खाने गया था तो बढ़िया, वहाँ पर बिल्कुल नॉर्थ इंडियन जैसा था, ठीक लगा मुझे। तो अभी आपको थोड़ा इधर चलता हूँ खेतों में, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। तो जी हाँ, खेत गन्ने की फसल उगी हुई है, और वो दिखा रहा था आपको पहाड़ में, दिख रहे हैं ना कैमरे से बिल्कुल छोटे छोटे दिख रहे हैं, ऐसे इधर खुली आंखों से देख रहे हैं तो बिल्कुल पास लग रहे हैं, कोई ना 1 किलोमीटर होंगे यहाँ से, बस 1 किलोमीटर बिल्कुल पास में है, और हवा चल रही है, अभी शाम का वक्त है। और जी है रोड जहाँ पे मैं पहले हम गए हुए थे, तो बस इधर ही घूम रहे हैं आज तो हम, खेतों में हो गया इधर जाकर लोकल साइड हो गया, ये पुणे से 150 किलोमीटर दूर होगा शायद, और इस गांव का नाम क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है और बढ़िया है। अब जहां से शायद कल जहां परसों हम निकल जाएंगे, तो अभी जहां पे मैं बैठा हुआ था तो एक छोटा सा बच्चा आ गया, अपना नाम बताओ मराठी में कैसे बोलते हैं, रुद्राक्ष, नहीं नहीं मराठी में, मराठी में माजो नाम जैसे बोल रहा था, माजो नाम रुद्राक्ष है। हाँ, और इनसे पूछोगे, मेरे से पूछो मराठी में कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम, तुमचं नाव काय आहे, हाँ माजो नाम सुरजीत, सही बोला या नहीं, हाँ। तो ये इनको मराठी आ रही, तो मेरे को पूछ रहा था कि आप क्या पंजाब से, मैं पंजाबी सॉन्ग सुन रहा था ना तो बोल रहा था ये, तो मैं सोचा कि चलो इसको भी वीडियो में ले लेता हूँ। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम अभी, फर्स्ट में पढ़ते हो, कहाँ पे, कहाँ, जहाँ पे कहाँ पढ़ते, आदर्श इंग्लिश स्कूल जामपुर, ओके जामपुर, जहाँ का नाम जामपुर है, नहीं पारगाव है मगर मैं सीखने को, ओके ओके ओके, जहाँ से कितना दूर है, यहाँ से पता नहीं, ओके चलो चलो ठीक है, तो ठीक है मैं इससे बातें करता हूँ, तो आगे आगे मिलते हैं, ठीक है। और अभी आ गया हूँ मुंबई, तो पुणे से मुंबई तक बनाने का वीडियो बनाने का मेरे को टाइम नहीं लगा, तो अभी डायरेक्ट मुंबई पहुँच गया हूँ, और अभी रात के 9 बजे हुए हैं, और अभी हूँ मैं चैम्बूर में, तो अभी यहाँ से आगे निकलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या होता है। तो भाई अभी आ गया हूँ मैं रूम में,
और अभी चलते हैं बाहर, कुछ डिनर करते हैं, खाते पीते हैं कुछ, और आपको मुंबई सिटी भी दिखाते हैं। तो अभी फिलहाल मैं कॉलोनी में हूँ, मरोली कॉलोनी में हूँ, तो चलते हैं नीचे और देखते हैं कुछ। तो भाई अभी आ गया हूँ मैं रेस्टोरेंट में, कुछ खा लेते हैं। फिलहाल अभी आगे पीछे तो दुकानें काफ़ी बंद हैं, और अभी क्योंकि 10 बजने वाले हैं तो इसलिए लेकिन देखते हैं। जहाँ पे मैंने मंचूरियन राइस की ऑर्डर, तो जहाँ पे इनका हिसाब उससे अलग ही है, मंचूरियन ग्रेवी अलग है, राइस अलग है, आपको दिखाता हूँ कैसे है। तो ये देखिए राइस अलग है, मंचूरियन ग्रेवी अलग है। तो अभी डिनर कर लिया मैंने, तो जहाँ पे बाकी मैंने मंचूरियन राइस गुजरात में खाया है, दिल्ली में खाया है, केरला तक में खाया है, पुणे में खाया, तो बावे भी ऐसा ही था, सेम था, लेकिन जहाँ पे ना अलग था, जहाँ पे क्या करते हैं कि उसकी ग्रेवी अलग देते हैं और राइस अलग देते हैं, ये थोड़ा अलग था। तो मैं आपको आपको बता रहा था, फिलहाल अभी तो पूरी मार्केट बंद कर दी, तो अभी देखने लग रहे हैं, सुबह देखेंगे क्या होता है ना। तो अभी चलते हैं वापस अपने रूम में, और अगर रास्ते में कुछ मिलता है तो खा लेते हैं वहाँ पे, है ना, ऐसे तो कोई फ़ायदा है नहीं। ये मेरा फर्स्ट टाइम था मुंबई में विजिट, ऐसे तो क्या होता था कि आते थे और गुजर जाते थे जहाँ से, लेकिन कभी रुकते नहीं थे, तो अभी इस बार रुकने का मौका मिला है। तो शायद कल या 2-3 दिन में जहीं पे हूँ तो मिलते हैं आगे क्या क्या होता है ना।